दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी और पक्षियों हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और ऐसे पक्षी जिसकी प्रजाति कम हो रही है और बाद में सरकार ऐसी प्रजाति को बचाने के लिए जागरूक होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई है। अंग्रेजी में इस पक्षी को लेजर फ्लोरिकन और हिंदी में खरमोर के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। यह घोराट पक्षियों की प्रजाति का है। इसके शरीर का रंग हल्का सा काला रंग का होता है और इसकी पंख का रंग सफेद और चोंच और पांव का रंग पीला होता है और इसके मस्तिष्क पर मोर की तरह ही कलगी होती है। खरमोर पक्षी की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यह पक्षी भारत में ज्यादातर मध्य प्रदेश के रतलाम और सेलाम में अक्टूबर और नवंबर में पाए जाते हैं। वैसे तो खरमोर दक्षिण के आसपास रहते हैं, लेकिन जुलाई खत्म होने के बाद यह रतलाम और सेलाम में प्रजोप्ति के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण खरमोर को बहुत ही अच्छा लगता है और नवंबर खत्म होने के बाद यह पक्षी अपने बच्चों सहित वापिस अपने घर चले जाते हैं। यह पक्षी की प्रजाति लुप्त हो रही है, यह बात सबसे पहले सन 1980 में पता चली और इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने सन 1983 में लाम और सैलाम में इस पक्षी को बचाने के लिए अभयारण्य बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी इस पक्षी की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि घटती रही। तब सरकार ने इसका कारण जाना कि अभयारण्य के आसपास रहने वाले गांववासी इस पक्षी का शिकार करते थे और साथ ही इसके अंडे को भी नष्ट कर देते थे, क्योंकि अभयारण्य बनने के लिए सरकार ने वहां के खेडूतों की जमीन छीन ली थी और अभयारण्य में शामिल कर ली थी। इसी वजह से वो लोग इसका कत्ल कर रहे थे ताकि अभयारण्य बंद हो जाए और सरकार उनकी जमीन वापिस कर दे, बल्कि सारी बात जानकर भी सरकार ने उन लोगों की जमीन वापस नहीं की और इसकी वजह से गांव के लोगों ने खरमोर का कत्ल चालू ही रखा। तरह से बार बार कत्ल होने की वजह से सन 2004 तक सिर्फ 9 खरमोर पक्षी बचे थे और इसकी वजह से वन विभाग ने ऐसी बात रखी कि जो भी लोग खरमोर पक्षी के अंडे को बचाकर वन विभाग को वापस करेंगे उनको 5000 का इनाम दिया जाएगा। इसकी वजह से फिर से खरमोर पक्षी की बढ़ोतरी शुरू हो गई और साथ ही सरकार ने वहां के खेडूतों की जमीन भी वापस कर दी और इसकी वजह से वहां पर पक्षी की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी। एक शताब्दी पहले तक खरमोर पूरे भारत में पाए जाते थे। घास के मैदान पे ही रहने वाले इस पक्षी की संख्या अब फिर से कम हो रही है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।